हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। और मैं यह भी आप पर उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखकर आप लगातार क्लासें ले रहे हैं और उनमें आप लगातार तैयारी कर रहे हो। तो अब हम इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैंने कल वाले जो वीडियो के अंदर आपको मैंने ये बताया था कि ये कुछ उदाहरण आपको ट्रिक के माध्यम से करने हैं, वो आपको मैंने अभ्यास के लिए दिए थे, तो उनके उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो उत्तर आप खुद ही कर लेना, जैसे H2+O2 ये हो गया H2O यानी जल बन गया, ठीक है ना। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास मेरे प्यार बच्चों कितना है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 है। फिर इस वाले हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 है, और इस ऑक्सीजन में कितना है, 1 है। तो इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक से समझना। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से गुणा करवाता हूँ, तो ये कितने हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 हो जाते हैं। इससे 2 से गुणा कराते हैं तो 2 हो जाते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 4 है, फिर भी संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो ये इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एक और बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप खुद कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये बता देता हूँ कल वाले में से, जैसे इसके पास K+H2O ये मिलकर बनाते हैं KOH+H2। अब देखो इसके पास मेरे प्यारे बच्चों इसके पास कितने हैं, 1 है। इसके पास कितने हैं, 2 है। इसके पास 1 है, इसके पास कितने हैं, 1 है। इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, और इस हाइड्रोजन के पास 2 है। तो ये अब रासायनिक समीकरण देखो संतुलित है क्या। यहाँ पर देखो ये पोटेशियम 1 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन कितने, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। तो ये इस प्रकार से रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए मैं 2 से गुणा करवाता हूँ, तो कोई ट्रम पर हो जाएगा, तो ये 2 2 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखो 2 ये हो गया, 2 ऑक्सीजन के हो गए, 2 हाइड्रोजन के हो गए। यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 है ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं मेरे प्यार बच्चों, 1 है। तो इसलिए इसको हम 2 से गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो जाते हैं, और यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 2 4 हैं, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर 2 से इससे गुणा करवा देते हैं, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण जो है आपका संतुलित है। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। अगर और भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं एक और बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसमें थोड़ा सा टाइमिंग में ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो इसको नोट कर लेना, जैसे एक उदाहरण और ले रहा हूँ कल वाले में से, जैसे FeH2O ये हो गया Fe3O4+H। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना कहाँ है, इधर देखना। देखो जैसे इस आयरन के पास कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर आयरन के पास कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर देखो कितने हैं, 4 है ऑक्सीजन के, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। मेरे प्यारे बच्चों समझने का थोड़ा सा प्रयास करना इसके अंदर, कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। अब पहले एक चीज़ को पकड़ लो आप, जैसे हम हाइड्रोजन को पकड़ते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो ये तो बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है, तो मैं इसको 4 से गुणा करवा देता हूँ। अब देखो 4 से गुणा कराने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझना। जब इसे 4 से गुणा करवाते हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हाइड्रोजन के 4 हैं और इसके पास आयरन के पास 3 है,
और हाइड्रोजन के पास दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन और चेंज हो गया, हाइड्रोजन के पास कितने हो, यहाँ पर आठ है, तो इसलिए इसको भी चार से गुणा करवा देता हूँ, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब इससे गुणा करवाते हैं यानी चार इनको दो से गुणा करवाते हैं कितना आता है एट आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, कितने हैं आठ है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं आठ है, तो ये ट्रम तो संतुलित हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के चार हैं और यही भी समान हो गए, ऑक्सीजन के पास कितने हैं चार चार यहाँ है, लेकिन यहाँ पर आयरन पर हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर तीन है और यहाँ पर कितने हैं एक है, तो इसको तीन से गुणा करवा देते हैं, तो ये कितने हो गए तीन। मेरे प्यारे बच्चों का रासायनिक समीकरण को संतुलित करा हुआ उस समीकरण को मैं लिख रहा हूँ, जैसे एन ई प्लस थ्री फोर एच टू ओ, तीर का निशान एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू, तो ये हो गए रासायनिक समीकरण संतुलित। हम इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं, और यही ट्रिक अगर हम अपनाते हैं तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर देते हैं, ठीक है। कमेंट में बताना कि आपको ये ट्रिक समझ में आई या नहीं, इसको एक बार अपलोड करो।